हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ये फ्रॉक बनाएंगे। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसकी रिक्वेस्ट मुझे इंस्टा पर आई थी। अगर आप भी अपनी पसंद की ड्रेस बनाना सीखना चाहते हैं तो उसकी फ़ोटो हमारे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर करें। अपनी इंस्टा आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ये फ्रॉक मैंने 4 से 5 साल बच्चे के लिए बनाई है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें मैंने सेंटून लाइनिंग ली है, टोटल 1.5 मीटर है। चोली में बैक पार्ट बनाएंगे। लाइनिंग की सिंगल लेयर लें, सेंटर से फोल्ड करें, फैब्रिक का ओपन साइड अपनी तरफ रखें। सेंटर पे जिप लगाएंगे जिसके लिए 1 इंच सीम अलाउंस का ऐड करें। टॉप लेंथ रखेंगे इसमें 9.5 इंच, 1/2 इंच सीम अलाउंस का ऐड किया है। टोटल लेंथ 10 इंच है। फुल शोल्डर है 10 इंच, जिसका 1/2 हुआ 5 इंच। फुल चेस्ट है 22 इंच, जिसका 1/4 हुआ 5.5 इंच। फिटिंग के निशान से आगे के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे सीम अलाउंस के लिए। नेक डेप्थ रखेंगे 3.5 इंच, यहाँ से विड्थ रखेंगे 3 इंच। यहाँ से यहाँ तक आर्म होल का शेप दें। इस निशान से ऊपर के लिए 1/2 इंच सीम अलाउंस का ऐड कर दें और इसी शेप में ड्रॉ करें। इस निशान से कटिंग करें। फ्रंट पार्ट के लिए अलग से लाइनिंग की 2 लेयर लें। यहां से 3 इंच पे निशान लगाएं। इस निशान को बराबर कर दिया। इसकी भी सेम लेंथ 10 इंच है। बैक पीस को लें, यहाँ से कपड़े को फोल्ड कर दें, यहाँ से मिलाते हुए रखें, यहाँ से इसको बराबर कर दें। फ्रंट का नेक डेप्थ 2 इंच लेंगे। यहाँ से टोटल 1 इंच पे निशान लगाएं। अब इस निशान को यहाँ से बिल्कुल कोने से मिला दें। इस निशान से आगे के लिए 1/2 इंच सीम अलाउंस का ऐड करें। इसे सीधा कर दें, यहां से कटिंग कर दें। अब फ्रंट का पीस लें और इसी की लेंथ के बराबर आपको नेट लेनी है। यहाँ से देखिए, इसकी लेंथ बिल्कुल इसी के बराबर है। लाइनिंग की यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई नाप लेंगे तो इसकी चौड़ाई है 9.5 इंच, जिसका 3 गुना हुआ 28.5 इंच। यहाँ से देखिए, इसकी चौड़ाई 28.5 इंच है। नेट की जो चौड़ाई है वो आपको लाइनिंग की चौड़ाई से 3 गुना लेनी है। साइड से लगभग 1 इंच का मार्जिन छोड़ देंगे सीम अलाउंस के लिए। फिर यहाँ से ऐसे महीन महीन सी गैदर बनानी है इस तरह से, और ये आपको नीचे से भी सीधी कर लेनी है। ऐसी गैदर आपको पूरे पे बनानी है। ऐसी गैदर पूरे में डाल दी है। हमने लाइनिंग पर सिर्फ 2 पीस कट किए थे, लेकिन इसी के बराबर बिल्कुल 2 पीस और कट करने हैं। इसमें से पहले सिर्फ 1 पीस लेंगे, इसके ऊपर रखें और यहाँ से अटैच कर दें। दोनों में नेट को अटैच कर दिया है। अब इसे कट कर दें। अब 4 डोरी बना लेनी है। 2 डोरी यहाँ पे रखें और 2 डोरी यहाँ पे रखें। साइड से 1/2 इंच का मार्जिन हटाते हुए रखना है। अब इसके ऊपर 2 पीस रखें और आर्म होल से सिलाई लगाएं। ये सिलाई 1/2 इंच का मार्जिन लेके लगानी है। अब इसे सीधा कर दें। फिर साइड से सिलाई लगा के इसको अटैच कर दें। फ्रंट के जैसे 2 पीस हमने कट किए लाइनिंग पर, सेम वैसे ही 2 पीस और कट करने हैं। अब इसमें से भी 1 पीस लें। फिर इसके लिए भी नेट लेनी है और इसमें भी प्लेट्स बना देनी है। नेट की भी विड्थ यहाँ से इसकी विड्थ के 3 गुना ली है। और आपको इसकी लेंथ ऐसे नहीं नापनी है,
आपको इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक नापनी है। यहाँ से देखिए इसकी लेंथ के बराबर लेना है। अब नेट को ऐसे रखना है जैसा कि देखिए हमारी डिज़ाइन में दिया हुआ है। इस तरह से रखते हुए इसको अटैच करेंगे। नेट को पूरे में अटैच कर लिया है। अब बैक का एक पीस लें। इस वाली डोरी की टोटल लेंथ आपको 6.5 इंच लेनी है। 1/2 इंच इसमें दब गया सीम अलाउंस में, इसकी अभी 6 इंच बची है लेंथ। इस वाले पीस को यहाँ से रखें, डोरी को 1/2 इंच अंदर के लिए बढ़ा के दूसरा पीस रखें उल्टा, यहाँ से सिलाई लगा दें। यहाँ पे भी 1/2 इंच का मार्जिन लेके सिलाई लगानी है। जैसे हमने एक पार्ट तैयार करा है, सेम वैसे ही हमें दूसरा पार्ट भी बना लेना है। पहले हमने ये निशान 3 इंच पे लगाया था, तो यहाँ से 3 इंच पे लगाएंगे। इस निशान पे ऐसे रखें और सिलाई लगा दें। रिबन लगाने के लिए 2 सीधी पट्टी लेनी है और ये दोनों सेंटर से फोल्ड हैं। इसकी विड्थ है 5 इंच, हाफ लेंथ है 21 इंच, फुल लेंथ है इसकी 42 इंच। अब दोनों पट्टी को सेंटर से खोल लें, एक साइड से सेंटर से फोल्ड करें, यहाँ से तिरछा कट कर दें ऐसे। अब एक पट्टी लें, सेंटर से फोल्ड करें और यहाँ से सिलाई लगा दें यहाँ तक। अब यहाँ से सीधा करें। अब चोली को ऐसे रखें और यहाँ पे रिबन का खुला वाला हिस्सा इधर के लिए रखें। नीचे से 1/2 इंच हटाते हुए रखना है। बैक वाला इसके ऊपर रखें और साइड से फिटिंग की सिलाई लगाएं। अब सेम कलर की कंसील्ड जेब लें। यहाँ से हमने 1 इंच का मार्जिन लिया था सीम अलाउंस के लिए, तो 1/2 इंच अंदर के लिए हटा के रखेंगे ऐसे और किनारे से सिलाई लगाएं। पहले इधर से ऐसे सिलाई लगा दी। अब ये वाला हिस्सा इधर के लिए ऐसे रखें, साइड से 1/2 इंच हटाते हुए। जिप लगाने के बाद एक्स्ट्रा जिप को नीचे से कट कर देंगे। बची हुई लाइनिंग की सिंगल लेयर लेनी है, इसे सेंटर से फोल्ड करें। फिर यहाँ से भी सेंटर से फोल्ड करके स्क्वायर शेप में रखें। कमर का चौथाई नाप है 5.5 इंच। ऐसे गोलाई में 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ नाप लेंगे। लेंथ आ रही है 4.25 इंच। 4.25 इंच की लेंथ पे निशान लगाएं। फुल फ्रॉक की लेंथ है 25 इंच, जिसमें 9.5 इंच चोली की लेंथ माइनस करेंगे तो घेरे की लेंथ 15.5 इंच हुई। यहाँ से 15.5 पे निशान लगाएंगे। दोनों निशानों पे कटिंग करें। अब नीचे से पूरे घेरे को फोल्ड कर देंगे। प्लेन नेट मैंने टोटल 5 मीटर लिया है, जिसमें टॉप पार्ट कट करने के बाद घेरे के लिए हमारे पास 4.5 मीटर नेट बचा है, जिसे सिंपल यहाँ पे फोल्ड करके रखा है। जैसे हम कपड़े की तह बनाते हैं, सेम वैसे ही नेट के साइड में जो किनारी बनी हुई है, इसे कट करके सीधा निकाल देंगे। इस साइज में टोटल फ्रॉक की लेंथ लेंगे 25 इंच, जिसमें 9.5 इंच चोली की लेंथ माइनस करेंगे तो नेट की लेंथ हमें 15.5 इंच चाहिए। इसमें 1/2 इंच सीम अलाउंस का ऐड करेंगे तो टोटल लेंथ 16 इंच लेंगे। यहाँ से 16 इंच की लेंथ पे निशान लगाएं, इसे सीधा कर दें। अब इस पे कट करें। ये हमारे पास एक लेयर निकल आई 4.5 मीटर की लेंथ में।
इसकी लेंथ टोटल 4.5 मीटर की है। अब यहां से फिर से 16 इंच की लेंथ पे निशान लगाएंगे और इसे सीधा कर दें। अब इसे भी कट कर लें। और फ्रेंड्स, मेरी नेट की टोटल चौड़ाई 60 इंच की है। इसकी जो यहां से लेंथ है वो टोटल 60 इंच की थी। अब इसे भी हटा दें, ये दूसरी लेयर हो गई। अब यहां से फिर से 16 इंच पे निशान लगाएं, इसे भी सीधा कर दें। अब इस पे कट कर दें। इतना नेट बच गया है। ये हमारी तीसरी लेयर हो गई। ऐसे हमारे पास 4.5 मीटर की लेंथ में 3 लेयर निकल आई हैं। टोटल घेर 13.5 मीटर का तैयार होगा। अब इन तीनों लेयर को आपस में अटैच कर देंगे। ऐसे दोनों लेयर को मिलाएं और यहाँ से अटैच करें। सेम ऐसे ही इस वाली लेयर को भी अटैच करेंगे। अब इसमें एक साइड से ऊपर की तरफ 2 बड़ी स्ट्रेट पूरी नेट में मैंने देखिए सिलाई लगा दी है। इस तरह से अब दोनों सिलाई में से सिंगल धागे को एक साथ खींचेंगे। ऐसे गैदर बनाएंगे, पूरे नेट में बनानी है। पूरे में गैदर बना ली है। इसकी चौड़ाई आपको कमर की नाप के अकॉर्डिंग रखनी है। अब इसे यहां से फोल्ड करें और इधर से अटैच कर दें। अब इसके अंदर लाइनिंग को रखेंगे। सेंटर से मिलाते हुए राउंड में अटैच कर दें। अब घेरे को भी उल्टा रखें और चोली को भी उल्टा रखें। ऐसे बराबर मिलाएं। इस तरह से बराबर मिला लें। अगर घेरे की विड्थ ज़्यादा होगी तो हम ऐसी हल्की सी प्लेट बनाते हुए इसको अटैच कर देंगे। राउंड में मिलाते हुए ऐसे अटैच कर दें। फिर रिबन को प्रेस कर लेंगे। अब इसमें नॉट बना देंगे। फिर मैंने जर्कन वाली लेस ली है और इस लेस को फ्रंट पे अटैच कर देंगे। आप चाहें तो सिलाई लगा के इसको अटैच करें, नहीं तो इसे फैब्रिक ग्लू से चिपका देंगे इस तरह से। और अब ये फ्रॉक पूरी कंप्लीट हो गई है। अगर आप भी अपनी पसंद की ड्रेस बनाना सीखना चाहते हैं तो फोटो हमारे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।